हेलो फ्रेंड, मैंने एक मदरबोर्ड ऑर्डर कर दी जिसका नाम है MSI Z270 PC मेड। आइए देखते हैं कैसी दिखती है मदरबोर्ड। ये मुझे पड़ी है 11,000 रुपीज़ की। देखिए इसके अंदर क्या क्या है और इसके अंदर इसके क्या क्या फीचर्स हैं। वेट में काफ़ी हैवी है ये, बाकी इसको देखते हैं। इसके साथ क्या क्या मिला है ये देखते हैं। ये इसका बिल है और ये इसकी बुक है। ये पीसी में जो पीछे लगता है इसके साथ, इसके सॉकेट्स के साथ वो है। और ये इसकी केबल्स हैं जो पीछे से कनेक्ट करेंगे हार्ड डिस्क से। और ये इसकी सीडी है जो कि हमें इंस्टॉल करनी होगी इसको चलाने से पहले। तो बाकी ये इसके मेन्यू कार्ड है कि कैसे फिट करना है, क्या क्या, हाउ टू इंस्टॉल, प्रोसेसर गाइड है, इंस्टॉलेशन गाइड, क्यूब इंस्टॉलेशन गाइड। आइए देखते हैं मदरबोर्ड में क्या क्या है। वाओ, देखने में तो मदरबोर्ड काफ़ी ही अच्छी लग रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। लोग सिर्फ गीगाबाइट को जानते हैं बट MSI भी काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है। ये मदरबोर्ड से मुझे ये 11,000 में पड़ी है जो कि मुझे काफी पसंद आ रही है। यहाँ पर इसका प्रोसेसर फिट होगा, ये भी काफी अच्छी जगह। और ये जो सपोर्ट करती है प्रोसेसर को वो है i3 i5 i7 6th 7th जनरेशन। और ये मदरबोर्ड में चार हमें स्लॉट दिए हैं DDR4 रैम के लिए। 64 GB तक आप इसमें अपनी रैम लगा सकते हैं। और बाकी अपने यहाँ पर टू, अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाना चाहें या और अदर कोई स्लॉट लगाना चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर HDMI पोर्ट मिले हुए हैं और ये रहा VGA पोर्ट, DVD-I पोर्ट और HDMI पोर्ट भी इसमें अवेलेबल है। साथ ही हमें इसमें ये पोर्ट्स दे रखे, 8 USB पोर्ट्स मिले हुए हैं जिसमें से दो 2.0 है और एक और चार 3.1 चैनल के पोर्ट्स हैं जिसमें आप अपने कीबोर्ड, माउस, जो मर्जी आप अटैच करना चाहे कर सकते हैं। काफी फास्ट काम करते हैं ये। यहाँ पर आपको अपना 3.5 mm जैक के अपना सॉकेट मिले हुए हैं जिसमें आप अपने स्पीकर या हेडफोन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना ओल्ड टाइप जो कीबोर्ड है तो वो भी या माउस लगा सकते हैं इस पोर्ट में। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं आपको कुछ इसके विषय में पढ़ के बताता हूँ इसके बॉक्स से। जैसा कि इसके पीछे दिया हुआ है, CPU सपोर्ट 7th 6th जनरेशन इंटेल कोर i3 i5 i7 प्रोसेसर एंड CPU सॉकेट LGA1151, चिपसेट इंटेल Z270 चिपसेट, ये इसका मॉडल नंबर है। ग्राफिक इंटरफेस 2 × PCIe 3.0 × 16 स्लॉट, डिस्प्ले इंटरफेस VGA DVD-I HDMI, मेमोरी सपोर्ट 4DIMMS डुअल चैनल DDR4, एक्सपेंशन स्लॉट्स 3 × PCIe 3.0 × 1 स्लॉट। ओके, स्टोरेज इसमें 6 × SATA 6 GB एस पोर्ट लगा हुआ है। USB पोर्ट 2 × USB 3.1 चैनल जनरेशन 2, दो ऐसे लगे हुए जनरेशन 2 के 3.1 चैनल के, और 8 USB लगे हुए 3.1 जनरेशन फर्स्ट के। काफ़ी अच्छा इसका इसके अंदर फीचर्स दिए हुए हैं। ऑडियो 7.1 चैनल हाई डेफिनेशन ऑडियो है, लैन इंटरनल 1219 GB लैन। ओके, काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गीगाबाइट की
मदरबोर्ड के बारे में बताऊंगा, जो कि 16,000 रुपये की है, वो मेरे ब्रदर के पास आई है, तो वो हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्ट्रीट स्टार्स। थैंक यू।